सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम। और बेटा, आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि में हमने इष्टुत्व संधि पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि। इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इसे इष्टो इष्टुना इष्टु भी कहते हैं। इसे इष्टो, इसे इष्टो टुना इष्टु, इसे इष्टो टुना इष्टु भी कहते हैं। इसे इस्तोष्टुनाष्टु भी कहते हैं। यदि सकार या तवर्ग, या तवर्ग, सकार का अर्थ ये समझ गए आप, ये वाला से तवर्ग, तवर्ग यानी तय थे दे धे ने के बाद या पूर्व, यानी पहले, पूर्व यानी बाद या पूर्व यानी पहले, शकार 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 या टै वर्ग, यानी टै ठे डे ढे ढे टै ठे ढे 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 आवे तो शे को शे तथा तय वर्ग को यानी कि तय थे दे धे ने को तय वर्ग यानी तय ठे डे ढे ढे आदेश हो जाता है। ठीक है बेटा, इष्टुत्व संधि सूत्र है इष्टुनाष्टु, और इसे इस्तोष्टुनाष्टु भी कह सकते हैं या कहते हैं। यदि सकार यानी कि ये वाला से, ठीक है, या तय वर्ग यानी तय थे दे धे ने, तय वर्ग में पांच वर्ण आते हैं, ये पांचों वर्ण के बाद या पूर्व यानी पहले, शकार यानी ये वाला से, या तय वर्ग टै ठे डे ढे ने आवे तो से को से यानी इस वाले से को, तो ये वाला से, तथा तय वर्ग को तय थे दे धे ने को टै वर्ग यानी टै ठे डे ढे ने आदेश हो जाता है। अब देखो किस प्रकार से, यथा जैसे पहला उदाहरण है रामस प्लस षष्ठ। अब बेटा देखो, यहाँ पर संयुक्त ये पहला पद है, सॉरी संयुक्त पहला शब्द है, और इस शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है, से, यहाँ से आ गया, प्लस इसके बाद में भी ये क्या आ गया, सकार यानी कि षटकोण वाला से आ गया, इसलिए इस से को हमने क्या आदेश कर दिया, ये वाला से आदेश कर दिया। ठीक है, इस से को जब ये वाला से आदेश कर रहे हैं तो हमारा संयुक्त शब्द बन गया है रामस
रामस षष्ठ है। क्या बन गया हमारा शब्द? रामस षष्ठ है। ठीक है बेटा, दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, सह है और उसके बाद क्या गया, तेवर। ठीक है, इसलिए इस सह को क्या आदेश कर देंगे, ये वाला सह आदेश कर दिया हमने, तो क्या हो गया रामश टीकते, क्या हो गया रामस टीकते। ठीक है बेटा, यानी इस सह को ये वाला सह होने पर क्या हो गया है, रामस टीकते। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब बेटा देखो तत् के ये संयुक्त पहला पद है और ये कौन सा है, दूसरा पद है। इस पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है, त, यानी कि तय वर्ग आ रहा है। उसके बाद क्या गया, तय वर्ग आ गया, इसलिए ये जो तय वर्ग है ना ये किस में बदल जाएगा, तय वर्ग में बदल जाएगा। तय किस में बदलेगा, तय वर्ग किस में बदलेगा, तय वर्ग में। अब ये तय वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए ये वर्ग के पहले ही वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि वर्ग का, इस तय वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, तय है। तो इस तय को हमने क्या आदेश कर दिया, ये वाला तय आदेश कर दिया। ठीक है, इसलिए अब हमारा शब्द बन गया, देखो मिलाओ त और आधा तय और ये पूरा तय है, तो क्या हो जाएगा तट्टिका। ठीक है, उसके बाद है चौथा उदाहरण है चक्रीन प्लस ढोक से, चक्रीन प्लस ढोक से, चक्रीन प्लस ढोक से। अब यहां पर देखो चक्रीन ये संयुक्त पहला पद है, उसके अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है, न आ रहा है, प्लस उसके बाद देखो क्या आ रहा है, यानी ट वर्ग का ट ठ ढ तीसरा वर्ण आ रहा है, इसलिए ये जो न आ रहा है यानी ये कौन से वर्ग का आ रहा है, त वर्ग का आ रहा है, तय थ द ध न, यानी कि पांचवा वर्ण आ रहा है, इसलिए ये ट वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद में ये कौन सा वर्ग आ गया है, ट वर्ग का ढ तीसरा वर्ण आ गया है, इसलिए यानी कि इस न, ये तय थ दय दय न, ये तय वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि इस न में बदल जाएगा, इसलिए इस न को क्या आदेश हो गया, ये वाला न, और फिर क्या हो जाएगा चक्रीन, चक्रीन ढोक से। चक्रीन ढोक से। ठीक है बेटा, इसके बाद है पांचवा उदाहरण पन प्लस दीते, पन प्लस दीते। अब बेटा देखो पन, ये पन का न है, यानी कि तय वर्ग का अंतिम वर्ण है न, और उसके बाद में तय वर्ग का क्या आ रहा है, द आ रहा है, ये आ रहा है ना, देखो तय वर्ग का ड वर्ण आ रहा है, इसलिए इस न को क्या आदेश कर देंगे, यानी ये तय वर्ग के पांचों ही वर्ण में बदल जाएगा, यहाँ न है तो ये किस में बदलेगा, इस नय में बदल जाएगा। ठीक है, ये आधा नय है, अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर पंडित। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारी स्टुत्व संधि कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।